अभी हम लोग यहाँ पे जो है लाइक मुंबई में है, और अभी जो है प्रैक्टिकल विजिट के लिए जा रहे हैं यहाँ से जो है नई मुंबई में, मतलब अंधेरी से नई मुंबई जा रहे हैं, जहाँ पे हम कोल्ड स्टोरेज का विजिट करेंगे। उसके बाद जो है जेएमपीटी कस्टम में वहाँ पे जाना है, पोर्ट का विजिट करने के लिए हमको जाना है। तो अभी हम अंधेरी से निकले हैं यहाँ पे। फिर क्या होता है कि इंटरनेशनल है, विदेशी प्रॉब्लम होगा, बाहर को यहाँ से हम एक बार डाल तो देंगे पर फिर क्या वहां पे प्रॉब्लम होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसका जो नेट वेट 28 जो है 28,800 किलो पर सकते हैं। LBS मतलब पाउंड में वेट होता है, LBS मतलब पाउंड में वेट होता है। और इसका CBM कितना है, इसका CBM क्यूबिक मीटर, तो इसका जो 40 फीट के अंदर रहता है ना उसका 76 CBM रहता है। तो अंदर जो एक 1 मीटर का जो बॉक्स होता है ना, ऐसे वॉल्यूमेट्रिक जो है 76 CBM जो है आता है। इसका कितना आएगा 76, पर आपको बता दूं प्रैक्टिकली इसके अंदर हम 76 भर नहीं सकते क्योंकि हमारा जो है पैलेट वगैरह रहेगा तो जगह रहती है। हमने आज ही कंट्रोल लोड होते हुए देखा, किसी ने मुझे पूछा था कि ऊपर का एक थोड़ा इतना लेयर बाकी था, बराबर इतना ऊपर का जो लेयर बाकी था वहां पे कुछ नहीं था, तो वो खाली जाएगा, तो वो तो बच गया ना समझो, वो इतना जगह बचा एक ऐसे, पर उसका 40 फीट और इतना है तो वो कम से कम 5 CBM होगा कम से कम। और वो क्या बॉक्स जो है तो फिशो फिश थे ना, अगर वुडन बॉक्स बनाओगे और एक छोटा एक बड़ा बनेगा तो फिर ऐसे ऐसे बैठेगे नहीं, जगह बचेगी, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता हूँ मुझे मालूम है। तो उसमें जो है ये 76 CBM है, तो उसमें आप जो है 65 डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट अभी कितना रहेगा माल भर सकते हो, 60-65 CBM जो है माल इसके अंदर जाएगा। और यहाँ पे दो सील लगते हैं, अगर आपके पास जनरली नए लोगों के पास जो है फैक्ट्री सीलिंग परमिशन नहीं होता है, फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन आप ले सकते हो, अगर परमिशन नहीं है और ऐसे कंट्री भरना तो CHA आपको कंट्री ला के देगा, उसका एक्स्ट्रा पैसा होता है वो ला के देगा। और ये जो सील है ये लाइन के साथ ही आता है, किसका ये ड्राइवर ट्रक कंट्री लेके जो आएगा ड्राइवर वो लेके आएगा, और ये सील जो है नए एक्सपोर्टर को आसानी से नहीं मिलता है, ये जो सील है नए एक्सपोर्टर को आसानी से नहीं मिलता है। ये जो एक पुराने एक्सपोर्टर हो जाए, कितने पुराने उसका पूरा लंबा उसका प्रोसीजर थोड़ा, उसके बाद ट्रस्ट वर्दी है, एक सेल्फ सीलिंग है कि खुद ही डिक्लेयर करो सब सही है, फिर इसमें क्या होता है सब से हो, ये कंट्री इतना चेक नहीं होता है, चला जाता है, इतना चेक नहीं होता है, इसलिए इसको खोला नहीं जाता कस्टम में, जरूर पड़ी उसके रेंडमली जो है 10% समथिंग खोलते हैं, बाकी इतना नहीं खोलते। अगर कोई डाउट लगा, किसी ने ड्रग्स वगैरह का कोई डाउट लगा, कस्टम को इन्फॉर्मेशन है, डेटा मिसमैच हो रहा है, इनवॉइस मिसमैच हो रहा है, पैकिंग लिस्ट में कुछ गड़बड़ है, लगता है कि अच्छा नहीं है, तो इसको खोल के चेक कर सकते हैं, बाकी ये चला जाता है। तो इस हिसाब से जो है ये 40 फीट हाई क्यूब कंटेनर आता है, 20 फीट कंटेनर आता है, उसमें CBM होता है 33 CBM, ये देखिए 20 फीट कंटेनर है, इसके पीछे लिखा होगा 33 CBM, 33.2 लिखा है, 20 फीट जो टैंक कंट्रे आप देख सकते हो सामने, उसमें जो 40 फीट हाई क्यूब में क्या होता है हाइट 1 फीट ज्यादा रहती है, इसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा जो है हाइट का साइड में होगा क्वेश्चन, 9 फीट का हाइट है इसका, हिसाब से पूरा लिखा रहता है, ये हाई क्यूब कंटेनर है, इस हिसाब से जो है पूरा होता है। रिफर करना है तो हमने जो कोल्ड स्टोरेज में देखा वो रिफर होता है, उसके अंदर लोड होता है, और ये कंट्रे करना है तो इसके अंदर लोड होता है, खुल जाएगा अंदर माल भर दो पैक कर दो दोनों सील मार दो, अब ये कहीं खुलेगा नहीं, तो इस हिसाब से पूरा होता है। बोले यहाँ तक कोई क्वेरी तो बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ, लेट्स गो ग्लोबल टूगेदर। थैंक यू।